السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون मोहतरमदीनी व इस्लाई भाई हो नौजवान साथियों बुजुर्गों बुज़ुर्गोर मजीद की एक करीमा आपके रूबरू तलावत की गई है इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कुछ तुम खर्च करते हो माल में से उसका तुमको पूरा का पूरा बदला दिया जाएगा और तुम्हारे साथ नासाफ़ी नहीं की जाएगी कई दफ़ा बहुत सारे लोगों के बारे में ये सुनने में आता है और लोग बताते भी हैं कि ये फ़लाँ साहब हैं और पहले अल्लाह के रास्ते में बहुत ख़र्च करते थे बहुत माल देते थे बहुत देनदाता थे लेकिन इनका दिल टूट गया एक दो बार इनको धोखा मिला तो इनका दिल टूट गया और ये देना बंद कर दिए मुकम्मल तरीक़े से अब इन्होंने देना बंद कर दिया अब ये एतबार नहीं करते ये एतमाद नहीं करते मैं एक वाक़ जिसको नबी करीमस्तम ने ज़िक्र किया है हदीस है सही बुखारी के अंदर भी है और दीगर जो है कुतुब हदीस के अंदर यह वाक़ मौजूद है अबू अब वरैल हदीस हैं कहते हैं कि एक आदमी का वाक़ अल्लाह के नबी ने बयान किया और वो आदमी जो था वो पिछली उम्मत से था एक आदमी ने कहा उसने इरादा किया कि मैं सदक़ा करूँगा मैं ज़रूर बज़रूर ला तदकन अभी कि मैं सदका करूँगा फ़ारा जब ही तो वह अपने सदक़े को लेकर निकला सदका देने के लिए सदका करने के लिए निकला फवादा आहा फी यद शारकिन कोई चोर था वो चोरी के इरादे से निकला था और ये सदका देने के इरादे से निकले थे तो चोर से साबका हो गया सामना पड़ गया तो सदका उठा के उसी को दे दिया फू या तहत दसूना इनको पता नहीं था कि ये चोर है आदमी को मालूम नहीं था कि चोर है फसबहू या तहत दसूना तो जब सुबह हुई तो लोग गुफ्तु करने लगे चे करने लगे तो अला शारकिन कि एक चोर को सदक़ा दिया गया सब ये बात कहने लगे फ़ा तो उस आदमी जिसने चोर को सदक़ा दिया था तो उसने कहा अल्लाहुम्मलकलहम्द कि हर हाल में अल्लाह तेरे लिए तारीफ़ है यानी तमाम तारीफ है, है अल्लाह तेरे लिए यानी हर हाल में तेरी तारीफ है मैंने इरादा किया था सदक़ा देने का लेकिन मे तेरा इरादा मेरे इरादे पर गालिब आ गया यानी तेरा फैसला तूने जो फैसला किया है तेरी जो पलानेंगे वो सबसे बेहतर पलानेंगे तेरे फैसले के अतबार से उस चोर को मिलना था सो चोर को मिल गया लातः सदन अबिसिन फिर उसने इरादा किया कि मैं ज़रूर ज़रूर क्या है सदका करूंगा फ़खरा जब सदा कति फिर वो अपने सदकों को लेकर निकला यदई जानी तो क्या हुआ फिर इतफ़ाक़ से जो है एक जानिया से उसका सबका हुआ उसने क्या क्या सदका उसे को दे दिया उसको पता नहीं है फसबहत दसू दसूना सुबह हुई तो लोग क्या करने लगे फिर गुफ्तु करने लगे कि तो जानिया को सदका दिया गया तो अला जानियतन लोग कहने लगे कि रात में एक जानिया को सदका दिया गया फ़काल फिर उसने कहा अला जानियतिन अल्लाह, तेरी प्लानिंग सबसे बेहतर प्लानिंग है तो बेहतर जानता है कि किसको ये देना चाहिए था उसको क्यों मिलना चाहिए था यानी हाकिमीन तो फैसले पर फैसला सुनाने वाला है यानी तो बेहतर फैसला करने वाला है तो तेरा इरादा था सोच को तू देना चाह रहा था उसको मिल गया ला फिर इरादा किया हमारे यहाँ क्या होता है कहा ना आपसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि एक दो बार धोखा खा गया देखिए आदमी क्या कह रहा है मैं धोखा नहीं खाया हूं बल्कि अल्लाह रबुल्जत ही की प्लानिंग है ना तो मैं धोखा खाया हूँ और ना ही उसने मकर किया मेरे साथ ना तो उस चोर का मकर चला है और ना ही मैं धोखा खाया हूँ ना उस दानिया ने मुझको धोखा दिया है और ना ही मैं धोखा खाया हूँ बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की प्लानिंग है अल्लाह ताला तक दिलवाना चाह रहा था उसको दे दिया मैंने उसके बाद फिर जो है आ, उसने इरादा किया कि मैं फिर सदका करूँगा फराजा फिर वो सदका लेके निकला आहा फी यदई तो फिर उसने क्या किया एक अमीर से उसका सबका हो गया अब उसने बताया गया है? मुझे ज़रूरत है उसने लगा कि सबका इसी को देना चाहिए था बाद में पता चला कि यह अमीर ने तो एक अमीर से मुलाकात थी उसने उसको नहीं मालूम है कि यह मालदार इसको जरूरत नहीं है उसको सदका दे दिया फसबाह फिर जब सुबह हुई तो लोग गुफग करने लगे कि भाई तो सदाला गलीन कि मालदार को सदका दिया गया यानी गरीबों को छोड़कर मोताजों को छोड़कर ज़रूरतमंद को छोड़कर मालदार को सदका दिया गया फ़क़ाला फिर उसने कहा अल्लाह मल कर वही बात कही कि ना तो मैं धोखा खाया हूँ और ना उसने मुझे मालदार ने धोखा दिया यह अल्लाह की मर्जी की थी अल्लाह की प्लानिंग थी अल्लाह महमदारि जिन क्या हर हाल में तेरी तारीफ़ है जानी पर सदका किया गया चोर पर सदका किया गया गनी पर सदका किया गया यह सब तुझको मंजूर था यह तेरा फ़ैसला है कि इन सब को दिया जाए फ़ोती फा फ़कीर उसने ख्वाब में देखा किसी ने आके उससे कहा कि अम्मा सदातु काला सारकिन कि जहां तक चोर को तेरे सदक़ा देने की बात है फला अल्लाहू अन्यस्ताफन सारी कते तो हो सकता है कि चोर चोरी करने के इरादे से निकला है और तूने उसको सदका दे दिया वो चोरी से रुक गया वह अम्म जानिया और जहाँ तक जानिया की बात है फलास्ताइन जिनाहा जहाँ तक जानिया की बात है तो तेरे सदका देने की वजह से वो जना से भाई फाहिशा औरतें वाला तकरब उस दीना देखिए कुरान मजि ने क्या वाला तख्तुल औलादकुम खश इमला कि खर्च के डर से फ़करे के डर से बच्चों को कत्ल ना करो अपनी औलाद को भाई फकीरे में इंसान कदम उठाता है ना जानी बहुत सही से खाशा उड़ते हैं उसी के आगे कहा गया वाला तकरब उस दीना इन ना फ्वाहिशा तो बाज़ दफ़ा आदमी जो है ये कदम जो उठाता है उस जमाने में जो बच्चों को कत्ल करते थे ज़िंदा दरगोर गौर करते थे तो एक डर ये भी था उनके अंदर कहा जाता है अरबी में कहावत है कि कादल फख्रकून कुफरन के करीब है कि यह फ़ख्र इंसान की जिंदगी में कुफर पैदा कर दे तो बाद जानिया औरतें पैसे के लिए ज़िना करती हैं बाद लोग पैसे के लिए चोरी करते हैं तो कहा फ़लाहू यान सर कहती है वम जानिया और जहाँ तक जानिया की बात है फ़ला अन तस्ताइफ़ान जनाहा तो मेरा यह सदका देना उसको क्या है जना से रोक देगा वह अमल गनी और जहाँ तक मालदार की बात है अमीर की बात है फ़लाू या तबिर तो मुमकिन है कि मेरे सदका देने से उसके अंदर भी जज्बा पैदा हो कि मैं भी तो एक अमीर हूँ मैं सदका दे रहा था तो मुझको भी सदका देना चाहिए मतलब उसके अंदर एक वो इबरत हासिल करेगा फ़यनफिक मता तो मेरे देने से उसके अंदर हौसला पैदा होगा उसके अंदर गैरत पैदा होगी कि मुझको अल्लाह ने दिया मैं ले रहा हूँ तो मुझको भी अल्लाह ने दिया है मुझको भी खर्च करना चाहिए तो ये वाक्य है और जैसे कि मैंने शुरू में कहा हमारे नीयत के अतबार से अल्लाह ताला हम को जर देगा इखलास और लिल्लाहियत के साथ अल्लाह के लिए जिसको दिया है अल्लाह हमको हमारे नीयत के तबार से हमारे काम पे देगा उसके नीयत के तबार से नहीं देगा।, उसके के तबार से देगा नहीं ना अल्लाह हमारी नीयत के तबार से हमको हमारे नेकी का बदला देगा, का देगा। में ने कहा इन मुहसिन अल्लाह क्या है महसिन के एहसान करने वालों के नेकी करने वालों के सदका करने वालों के अजर को अल्लाह जाए नहीं करता है तो हमको मेरे भाइयों एक आदमी अपनी क़वत और ताकत के अतबार से अपनी समझ के अतबार से अब क्या पैमाना बताएं? आप बताइए आप मस्जिद से निकलते हैं चार लोग खड़े हैं मांगने वाले आज तो हमने ही खुद ये पैमाना बनाया ना कि जो हाथ फैला के हमसे मांग ले वही ज़रूरतमंद है हमने खुद ही ये पैमाना मुकर है कितनी हम कोशिश करते हैं भाई हम सदका का इरादा करते हैं कितनी कोशिश करते हैं कि हमारा ये माल मुस्तैद तक पहुँच जाए हम भी सुस्त हैं सो मांगने वाला फुर्ती दिखाता है हम उसको दे देते हैं अब कौन सा कायदा है कायदा तो ये है कि आपसे कोई मांगने आप उसको झिड़के मत दूसरी चीज़ अपनी हद तक आप कोशिश कीजिए आप इरादा रखिए कि मुस्तक तक पहुँचें देखिए अगर आपको लगता है इतमान है तो उसको दे दीजिए और दूसरी चीज़ इससे मालूम हुआ कि बज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम अच्छाई और नेकी की तरफ किसी के रहनुमाई करते हैं और उनको एहसास तक नहीं होता है वो तो बंदा नेक काम पर अमल करता रहता है हमको सवाल मिलता रहता है किसी बुराई से हमको पता भी नहीं है हमने किसी को रहनुमाई कर दिया वो किसी बुराई से बच गया अब देखिए इसको मालूम था वो चोर है चोरी करने जा रहा नहीं मालूम था मालूम था कि जानिया है, जिना करेगी नहीं मालूम था मालूम था कि गनी है नहीं मालूम था लेकिन क्या हुआ उसको पता भी नहीं है वो जानिया औरत जिना से बच जाएगी इसको सवाब मिलेगा वो चोर चोरी से बच जाएगा इसको सवाब मिलेगा तो ज़िंदगी के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि हमें और आपको क्या है अपनी नीयत खारिश करके वो काम करना चाहिए अल्लाह ताला हमारे आजर को बर्बाद नहीं करेगा तो ये मेरे भाई एक बहुत सी चीज़ है कि लॉकडाउन में रहते हैं दें किसको दें समझ में नहीं आता है और अब भरोसा उठ गया मेरा इस किस्म की बातें करते हैं ना तो ये गलत बात है अल्लाह की ज़ात पर यकीन रख के भरोसा करके इखलास और लाहीत के साथ आप सदका कीजिए अल्लाह ताला आपके सदके को बर्बाद नहीं करेगा ये चंद बातें इस वाक्य के हवाले से थी अल्लाह मुझको और आपको जामले की अता फरमाए आमीन अलगम वरहमल व ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्लान